अब ऐसे छोड़ भी नहीं सकते ना यार, रोड पे पड़े हुए तो। नहीं, वो कोई बात नहीं, अब वो गए ना। हाँ। ये तो बहुत स्केरी है। हाँ? ये बहुत उससे स्केरी। वो आवाज आ रही ना, या तो कोई कील लग गई है टायर के अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी जो है पिछले वाले टायर में से कुछ आवाज आ रही थी, जैसे ही रोटेट हो रहा था टायर, सड़क पे लग रहा था तो टक 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 की कुछ आवाज आ रही थी। अब मालूम नहीं क्या था वो। अब रुक के हम यहाँ पे देख नहीं सकते, उतर के नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे भी चल रही है चलाते रहेंगे, गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है। वही जो स्मेल थी, फील हो रही है। हाँ, बोलने वाली थी, मेरे को लगा था यहाँ बोलो। सेम स्मेल है। मजे की बात हूँ, डरेगी तो नहीं? नहीं, मैं कब डरती हूँ? अरे टाइगर वाली बात नहीं है, कुछ और अलग चीज है। हाँ, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया, जो पहाड़ों का ही रहने वाला है, बोला कि भाई जो पहाड़ों में जो जंगल होते हैं ना, यहाँ सिर्फ टाइगर लेपर्ड ही नहीं है, एलिफेंट ही नहीं है, यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती है। यानी कि किसी और डायमेंशन की चीजें, उसको मैं किसी और डायमेंशन की चीजें ही बोलूंगा। पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, उसको हम नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं, उसको नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं, जो कि हमारे लिए हो सकता है हमारे लिए नेगेटिव हो, हमारे लिए नेगेटिव हो, या हो सकता है कि हमारे लिए कुछ भी ना हो। हाँ, कुछ भी ना हो। देखा, कई सारे आ रही थे। हाँ, बहुत सारे हैं। आयशा मकरी इनके अलग से। आगे मैं कैप्चर नहीं कर पाऊंगी। हाँ चलो, आवाज आई आपको? आवाज आई है कुछ। थोड़ा सा ना अपने रोड के साइड में भी देखियो कभी, यहीं पे चलो, कुछ नहीं हुआ। हीरो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ, इसे देख रही हूँ। ये कॉल है? ये तो कॉल है, या ऐसा लग रहा है कि गर्दन वर्दन दबा रखी हो ना? है कुछ तो, है पर दिख नहीं रहा। कुछ तो है। हाँ,
कोले 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 पीछे कॉल हो रही। जितना सुंदर। रुको रुको रुको, कुछ है। लॉट्स ऑफ डियर। देखो वो रे, दिखे? हाँ। आगे लूँ थोड़ा सा? नहीं, सही पोजीशन। आगे से सही दिखाई देगा ना, थोड़ा सा आगे से। जब सामने आ जाते हैं तभी तो पता चलता है इनको, तभी इनका शिकार हो जाता है। वो इतने दबे पैरों से आते हैं ये जो तो यार ये रास्ता जो है ना बड़ा बम्पी है, आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, ऑफ रोडिंग टाइप का है, छोटा मोटा ऑफ रोडिंग। क्या हवा है यार, मतलब यार आप आवाज से ही समझ जाओ यार क्या हवा है यार। भाई मजा आ गया, भाई बहुत मजा आ गया ना। अभी थोड़ी देर पहले ये वीडियो बनाया ही था यहाँ पे ना, कि ये रोड ही पड़ी हुई है मोड़ के ऊपर, और एक भैया अभी स्कूटी से आ रहे थे, ये भैया ये गिर गए यार, तो थोड़ा सा इनको चोट वोट लगी है तो उठाया इनको। ये देखो यार यहाँ रोड ही पड़ी हुई है, मोड़ पे रोड ही पड़ी हुई है, ये टाइगर का एरिया है। तो मैं जल्दी से यार अब क्या करूँ यार, उतर के देखना तो पड़ेगा ही ना, तो अब ऐसे छोड़ भी नहीं सकते ना यार, रोड पे पड़े हुए हैं तो। नहीं, वो कोई बात नहीं, अब वो गए ना। हाँ हाँ, तो हालांकि रिस्क में तो थे भाई हम भी, पर बात तो रिस्क की, वो खुद ही कह रहे थे। अच्छा उनसे बात हुई ना, इन भैया से स्कूटी वालों से बात हुई, तो वो दोनों बोले कि हम यहाँ से तेजी से इसलिए निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइगर का एरिया, टाइगर डेली दिखते हैं इनको, ये लोकल थे यहाँ के, उन्होंने खुद बोला। तो जब उन्होंने बोला ना कि ये टाइगर का एरिया, हम यहाँ से डेली इसलिए तेजी से निकालते हैं कि टाइगर मिलते हैं। ये देखो यार ये भी रोड ही, देखो यार यार ये कैसे आ गई रोड यहाँ पे यार, ये काम चल रहा है ना आगे, तो ट्रैक्टर उसमें जा रही है, तो वो जब वो टर्न होता है तो गिर जाती है। यार देखो ये जो ये साइड में जो रिफ्लेक्टर्स लगा रखे है, अब इससे किसी ने बोला था कि इस वजह से जानवर जो है रोड पे नहीं आ रहा है रात के टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे व्हीकल्स चल रहे हैं और ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। इससे जानवरों पे कोई इससे जानवरों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। देखो स्पीड हार्डली होगी 20-25 की स्पीड है, तो स्ट्रेट रास्ता है। अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो मैंने लाइट ये पहली बंद करी तो बिल्कुल डिम हो गई, मैंने लो बीम कर रखा है, लो बीम कह रहा हूँ, पार्किंग लाइट चल रही है सिर्फ, तो बिल्कुल डिम होगी लाइट्स। ये रिफ्लेक्टर जो है अब ऐसे दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर को दिखा रहे हैं लेकिन ये रिफ्लेक्शन नहीं मार रहे। अब अगर जो मैं बंद कर दूंगा, ये मैंने बंद कर दिया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, तो जानवरों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ इंसानों को जरूर फायदा है, इंसानों को भी फायदा है और जानवरों को भी ये फायदा है कि जानवर जिस टाइम पे गाड़ियां आ रही होंगी, जिस टाइम पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो जानवर रोड पार करेंगे नहीं। इस कंडीशन में उनके किसी गाड़ी से टकराने की जो संभावना है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो अच्छी बात है यार।
अगर जो जानवरों को रोकने के लिए क्या होता तो फेंसिंग नहीं फेंसिंग कर देते। अच्छा लास्ट टाइम जब हम आ रहे थे तो आपने उस वीडियो में देखा, मेरे आगे ना एक वैगन आर गाड़ी चल रही थी और वैगन आर ने एकदम ऑल ऑफ सडन ब्रेक मारे और उस गाड़ी के आगे से, उसने ब्रेक मारने का रीजन ये था आगे से बहुत बड़ा सांभर निकला था, तो आप समझ सकते हैं अगर जो उससे टकरा जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था यहाँ पे, क्योंकि भैया वो तो 250-300 केजी का होता है वो गाड़ी, क्या होती है गाड़ी कोलैप्स कर देता। और ऐसे में यार सोच के देखो ऐसे जगह पे लोकेशन पे जा रहे हैं और हादसा हो जाता है, गिर गया बाई चांस और सिर पे चोट लग गई, तो सिर पे चोट लगने की वजह से आदमी अनकॉन्शियस भी हो सकता है उस टाइम पे, तो बिल्कुल ही वल्नरेबल है, इतना वल्नरेबल होगा हो जाएगा इंसान कि कोई भी इजीली कोई भी जानवर जो गीदड़ होगा ना वो भी उसका शिकार कर लेगा ऐसे मौके। देखो यहाँ बोर्ड भी लगे हुए कि हिरण कूदता हुआ दिखाई दे रहा है, हिरण है ये, साथ साथ कितने सारे हैं देखिए। बहुत है बहुत, वो पीछे ये देखो पूरी की पूरी वो जा रही है, वो देखो बच्चे आगे, बच्चे बीच में कर रखे हैं। क्या ये रोड पार करेंगे? मे बी, रुके रखो रुके रखो, चलो चलते से दिख रहा है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर ये, मुझे तो इनको देखना भी इतना सुंदर लगता है। चीतल हैं, स्पॉटेड डियर्स, करीब करीब 20 बच्चे होंगे, बच्चा दिख रहा है कोई छोटा, बच्चे बीच में है, स्टैग तो है वो पीछे से बीच में है, देखो देखो आगे है बीच में, हो रहा हो रहा, शायद क्रॉस करेंगे ना, पर नहीं यार ये यहाँ से क्रॉस कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, देखो यार पीछे देखो कितने कितना शानदार है, बारह सिंगा इसलिए बोलते हैं, 12 सिंग निकले होते हैं वैसे, 12 मतलब हो सकता है 14 निकले हैं, 15 निकले हैं, 10 निकले हैं, 20 निकले हैं, कुछ नहीं निकले, 12 सिंगा बोल देते हैं, इनके टूट टूट भी तो जाते हैं वो लड़ाई में, इनके लड़ाई में या कहीं उसमें फंस जाते हैं। तीन चार है, सांबर है, देख रहे हैं इधर। पर इधर ये जगह है, ये देखिए इधर देख, देख 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 बच्चा छोटा छोटा बच्चा देखा। हाँ 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 यार जैकल अकेला है, अकेला है तब आता, अकेला जब होता है तो ऐसा बोला जाता है, अब ये मिथ है या क्या चीज है कि जब अकेला ये हो गीदड़ तो इसके पास कोई ना कोई बड़ा प्रीडेटर होता है, क्योंकि उसका ये खाना चुरा के खाता है, वो लोग भी इसे कुछ नहीं कहते। हाइनास जो होते हैं उस दिशा में चल पड़ते हैं तो एक दूसरे का इशारा तो जरूर समझते हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं इशारा समझते, वरना जहाँ पे गिद्ध मंडरा रहे हो वहां पे हाइना क्या करने के लिए जाएंगे,
उसको देख के फॉलो करके जाते हैं, गुर्दाखोर जो होते हैं, हाइनस यानी लकड़ बगे, इंडिया में मिलते हैं स्ट्रिप्ड हाइनस, और अफ्रीका में मिलते हैं स्पॉटेड हाइनस। तो जो स्पॉटेड होते हैं उनका साइज भी थोड़ा बड़ा होता है। ये नाइट जार दिख रहा है बैठा हुआ पोर्शन। क्या है सामने? शहर है। क्या चीज़ है? और इधर ही है ना? हाँ। लगा के टाइगर भी हो सकते हैं। कुछ है वहां पे डियर से ये है स्पॉटेड डियर्स। यहाँ से उतरना भी थोड़ा सेफली ना। फीमेल है लेकिन इसका साइज थोड़ा बड़ा है और ये